आप दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपको पता होगा YouTube शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन इनेबल हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं YouTube शॉर्ट्स से आपकी कमाई अब चालू हो चुकी है। 1 फरवरी से इसको रोल आउट कर दिया गया है। अगर आपने YPT YouTube पार्टनर प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं किया है तो ये आपका चालू नहीं होगा। तो पहले आपको अपने YouTube स्टूडियो में जाके उसको एक्सेप्ट कर लेना है। YouTube स्टूडियो में जाके लास्ट में मोनेटाइजेशन में जाएंगे तो आपको वहां पर एक्सेप्ट का ऑप्शन मिलेगा, आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको ये नहीं मिलने वाला। फाइनली दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube प्रोग्राम को एक्टिवेट होने के बाद या बोल सकते हैं इनेबल होने के बाद आपको उसमें क्या मिलने वाला है और कैसे आपको ये पैसे वहां पर मिलने वाले हैं, या फिर बोल सकते हैं कितना परसेंट आपको वहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दूं, YouTube पार्टनर को आपको इनेबल करने के लिए, अगर आप शॉर्ट्स क्रिएटर हैं तो आपके पास 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए, जेन्युइन व्यू, वो भी 90 डेज के अंदर। अगर आप 90 डेज में नहीं करेंगे तो आप इनेबल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने ये क्राइटेरिया पूरा कर लिया तो आप YPP प्रोग्राम को इनेबल कर सकते हैं, या बोल सकते हैं YouTube पार्टनर प्रोग्राम को आप वहां पर एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आपने ये क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो आप दूसरी तरीके से भी क्राइटेरिया पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस है जिसमें आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4 आवर्स 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। अगर आपने ये भी पूरा कर लिया तो भी आपका वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा। तो दोनों में से आपने कुछ भी करके अपना मोनेटाइजेशन को इनेबल कर लिया है। अब आती है शॉर्ट्स वीडियो की। आपने अपना शॉर्ट्स बनाया, शॉर्ट्स बनाने के बाद जो एडवर्टाइजमेंट आएगी उसके बिहाव पर क्या होगा, जैसे कि आपने शॉर्ट्स बनाए तो बहुत सारे शॉर्ट्स चलेंगे, जो भी उसमें से एडवर्टाइजमेंट मिलेगी या हो सकते हैं जो भी रेवेन्यू होगा वो एक पूल में जाएगा, एक क्रिएटर पूल बनाया जाएगा, उसके अंदर वो हिस्सा वहां पर चले जाएगा। बट वो हिस्सा तब जाएगा जब आपने जो भी वीडियो आपने बनाई है वो वीडियो आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, जो भी उसमें म्यूजिक हो वो आपका, मतलब म्यूजिक जो भी आपने बोला है वो यूनिक होना चाहिए, आपका अपना खुद का होना चाहिए, किसी का कॉपी कंटेंट नहीं होना चाहिए तो ही आपको मिलेगा। या फिर अगर आप किसी का कॉपी कंटेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी परमिशन भी होनी चाहिए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कॉपी करके उठा के लगा दिया, ऐसे में नहीं मिलेगा। उसमें कुछ अलग से आपका भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए, आपका भी कुछ अदर से होना चाहिए तो ही आपको उसका भी रेवेन्यू मिलेगा। तब आपने और कुछ फनी वीडियोज़ होंगी तो भी आपका उसका रेवेन्यू मिलेगा, और अगर आपने कोई म्यूजिक बना रखा है किसी कंपनीज का तो भी आपको मिलेगा। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगी, अगर पूरा आपका जेन्युइन कॉन्टेक्ट है तो मतलब पूरा आपका जेन्युइन है, आपकी वॉइस भी आपकी है, कंटेंट भी आपका है, उसमें जो भी चीज़ें सब आपका है, किसी और का कुछ नहीं है, तो उसमें क्या होगा, जितना भी रेवेन्यू शेयरिंग से आपको कमाई होगी वो सीधा जाएगी, एक क्रिएटर पोल बनाया जाएगा उसके अंदर वो चले जाएगा। और सपोज आपने कोई शॉर्ट्स बनाया उसके अंदर आपने म्यूजिक यूज़ करा, एक म्यूजिक यूज़ करा है, तो उसमें क्या होगा, उस शॉर्ट्स का आपका 50% जो हिस्सा है वो जाएगा क्रिएटर पूल में और 50% जो उसकी रेवेन्यू जाएगी वो म्यूजिक कंपनी को जिनका आपने म्यूजिक यूज़ किया है, तो ऐसा होगा। और ऐसे ही अगर आपने किसी भी वीडियो में एक से ज़्यादा म्यूजिक यूज़ किया है, मान लो आपने 2 म्यूजिक यूज़ किए हैं किसी कंपनी के, तो उसमें क्या होगा, 33% रेवेन्यू आपको मिलेगा क्रिएटर पूल में, बाकी 66% वो जाएगा किसको, 66% जाएगा म्यूजिक कंपनी को, सिर्फ आप में उसको 33% मिलेगा अगर आपने किसी का म्यूजिक यूज़ किया है, और ओवरऑल कंटेंट आपका रहेगा तो उसमें पूरा आपको जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्रिएटर पोल तैयार हो गया। क्रिएटर पोल तैयार होने के बाद उसमें से क्या होगा, उसमें से कंपनी यूट्यूब देखेगा कि आपने अपने आपके जेन्युइन कंटेंट, मतलब आपके जो कंटेंट के व्यू कितने आए, तो उसमें क्या, मान लो आपके पास जितना भी यूट्यूब पोल में आपका इकट्ठा होगा उसमें से 5% आपको एलोकेट कर दिया जाएगा, और उस एलोकेशन के बाद आपको उसमें से 45% आपको मिल जाएगा। मतलब कि मान लो एलोकेट किया गया आपको क्रिएटर पोल में से 5% जो कि है $1,000, तो उसमें से आपको $450 आपके रेवेन्यू आपको वहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये YouTube पॉलिसी काम करने वाली है, आप बोल सकते हैं YouTube शॉर्ट्स के कंटेंट काम करने वाले हैं। अब इसके आगे आपको दिखेगा कैसे कि आपने YouTube शॉर्ट्स से कितना कमाया, तो आप अगर अपने YouTube स्टूडियो में जाएंगे वहां पर रेवेन्यू वाले सेक्शन में जाएंगे जहां पर आपको ओवरव्यू दिखता है, अब उसके बगल में आपको 3 कैटेगरी दिख जाएंगे, मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं बट बता दे रहा हूं, उसमें ओवरव्यू के अंदर आपको बगल में 3 कंटेंट मिलेंगे जिसमें आएंगे शॉर्ट्स के व्यू, लाइव के व्यू और आपके नॉर्मल जो अपने आते हैं, वो 3 तरीके से आपको मिलेंगे। उसके बाद उसको ओवरव्यू करके आपको बताएगा, तीनों के डिस्क्रिप्शन आएंगे कि आपका आपने जैसे 28 दिन में दिखता है कि आपने 28 दिन में नॉर्मल वीडियो से कितने कमाए, शॉर्ट से कितने कमाए और लॉन्ग से कितने कमाए, तीनों से आपने कितने कमाए, ये तीनों आपको वहां पर ऐसे डिस्क्राइब होने वाले। ये अपडेट आज ही के दिन आया था इसलिए मैंने फटाफट बना दिया, जैसा भी था फटाफट जैसा उठा मैंने वैसा ही बना दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये बिल्कुल अभी रिसेंटली YouTube की तरफ से उन्होंने रोल आउट किया था, जो कि मैंने आपको बताया
बताया। ऐसी नए कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और भाई नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने अभी तक यूट्यूब प्रोग्राम को मोनेटाइजेशन को इनेबल किया कि नहीं किया। तो थैंक यू दोस्तों।